हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल स्टडी गो को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो, यानी वीडियो को पूरा देखें, यानी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस के बारे में, जो कि 1975 का केस है। और इसमें जो जजमेंट दी गई थी वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लैंडमार्क जजमेंट था। दोस्तों, मैंने लैंडमार्क केसेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहां से उसको ईजिली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। This is a case regarding election disputes involving the Prime Minister and purpose of 39th Amendment of the Constitution. दोस्तों, ये जो हमारा केस है ये इलेक्शन डिस्प्यूट यानी कि इलेक्शन से संबंधित जो विवाद, जिसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व थी, उससे रिलेटेड था। इस केस के दौरान ही 39th अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था। तो ये देखने के लिए भी कि जो हमारा 39th अमेंडमेंट एक्ट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, तो ये केस उस चीज से भी संबंधित था। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, इसके बैकग्राउंड में हुआ क्या था। राज नारायण हैड कंटेस्टेड द इंडियन जनरल इलेक्शन 1971 अगेंस्ट इंदिरा गांधी, हु रिप्रेजेंटेड द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ रायबरेली इन द लोकसभा। गांधी वॉज री इलेक्टेड फ्रॉम रायबरेली एंड हर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन अ स्वीपिंग मेजोरिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट। यानी कि दोस्तों, जो हमारे राज नारायण जी थे वो हमारे इंदिरा गांधी के विरुद्ध जनरल इलेक्शन में खड़े थे, जो कि 1971 में हुए थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ रायबरेली को रिप्रेजेंट कर रहे थे लोकसभा में, जो कि हमारा लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या, जो हमारे गांधी जी हैं वो री इलेक्ट हो गए, यानी फिर से वो रायबरेली की जो थी वो सांसद बन गई, और जो हमारे राज नारायण जी थे वो हार गए, और उनकी जो पार्टी थी हमारी इंदिरा गांधी जी की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो एक स्वीपिंग मेजोरिटी से यानी कि भारी बहुमत से इंडियन पार्लियामेंट में जीत गई। नारायण फाइल्ड अ पिटीशन टू अपील द वर्डिंग एलिजिंग दैट इंदिरा गांधी यूज्ड ब्रिबरी गवर्नमेंट मशीनरी एंड रिसोर्सेज टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज इन द कंटेस्टिंग द इलेक्शन। यानी कि दोस्तों, जो हमारे नारायण जी थे उन्होंने पिटीशन फाइल किया, क्या अपील करने के लिए, न्याय पाने के लिए। किस लिए? क्योंकि दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया इंदिरा गांधी के ऊपर कि उन्होंने ब्रीबरी यानी कि जो हमारी घूसखोरी होती है वो की है उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने, और गवर्नमेंट मशीनरी का और रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया है वोट गेन करने के लिए। दिस केस वॉज हेयर्ड बाय द अलाहाबाद हाई कोर्ट। यानी कि दोस्तों, ये जो हमारा केस था, अलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस केस की सुनवाई की गई थी। ऑन 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा फाउंड इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। यानी कि दोस्तों, जो हमारी इंदिरा गांधी थी उन्हें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जो कि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस यानी कि जो हमारा इलेक्शन से संबंधित दुष्टाचार होते हैं उसका दोषी इंदिरा गांधी को पाया था। सिन्हा डिक्लेयर द इलेक्शन वर्डिक्ट इन द रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी नल एंड वॉइड। यानी कि दोस्तों, जो हमारे जगमोहन लाल सिन्हा जस्टिस जो थे उन्होंने घोषणा कर दी जो हमारे इंदिरा गांधी के जो रायबरेली के जो इलेक्शन हुए थे वो नल एंड वॉइड थे, यानी कि शून्य थे, यानी कि उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया। एंड बेयर्ड इंदिरा गांधी फ्रॉम होल्डिंग इलेक्टेड ऑफिस फॉर 6 ईयर। यानी कि इंदिरा गांधी जी को 6 साल तक के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोक लगा दी गई। द कोर्ट ऑर्डर गेव द कांग्रेस पार्टी 20 डेज टू मेक अरेंजमेंट्स टू द रिप्लेस इंदिरा इन हर ऑफिशियल पोस्ट। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उनको 20 डेज का टाइम दिया गया जिससे वो इंदिरा गांधी को उनकी ऑफिशियल पोस्ट से रिप्लेस कर दे। इन सच अ सिचुएशन इंदिरा गांधी डिड नॉट हैव अ वे टू गो टू द राज्यसभा। यानी कि ऐसी स्थिति आ गई कि जो हमारे इंदिरा गांधी थी अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था राज्यसभा में वापस जाने का। नाउ शी हैड नो अदर वे देन लीविंग द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि अब उनके पास अपनी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी उसे छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इट इज़ बिलीव दैट दिस डिसीजन वॉज द मेन रीजन फॉर द इम्प्लीमेंशन ऑफ द इमरजेंसी फ्रॉम द मिड नाइट ऑफ 25th जून 1975। यानी कि दोस्तों, ऐसा माना जाता है
कि इमरजेंसी का जो प्रोविजन लगाया गया था, यानी कि देश में जो आपातकाल की स्थिति 1975 यानी कि 25 जून की मिडनाइट में जो लगाई गई थी, वो इसी कारण से लगाई गई थी क्योंकि हमारी जो इंदिरा गांधी थी उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहा था। An appeal was filed by the appellant against the decision of the Allahabad High Court, invalidating Shrimati Indira Gandhi's election on the ground of corrupt practices. यानी कि दोस्तों, अब जो हमारी इंदिरा गांधी थी उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने अपील फाइल की कि जो डिसीजन है अलाहाबाद हाई कोर्ट का उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। इन द मीन टाइम द पार्लियामेंट पास्ड द 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच इंट्रोड्यूस्ड एंड एडेड अ न्यू आर्टिकल 329A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों, इसी दौरान जो हमारी पार्लियामेंट थी उसने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा एक नया आर्टिकल 329A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। It was stated by this article 329A that election of the prime minister and the speaker cannot be challenged in any court in the country. Yani ki dosto, article 329A ke according जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जो हमारे स्पीकर होते हैं, उनके इलेक्शन को भारत के यानी कि हमारी जो कंट्री है उसके किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये जो हमारा 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये पार्लियामेंट के द्वारा बहुत ही जल्दी में पारित किया गया था, यानी कि ये 2-3 दिन के अंदर पारित कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आज तक पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट इतनी जल्दी पारित नहीं किया गया है जितनी जल्दी 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित कर दिया गया था। दोस्तों, ये जो हमारा 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसे जब ये पारित किया गया था उस डे को बोलते हैं ब्लैकेस्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो हमारा केस था इसमें इश्यूज क्या निकल कर आए। पहला इशू आया वेदर और नॉट क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 329A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। यानी कि पहला सवाल ये निकल कर आया है, जो हमारा आर्टिकल है 329A, इसका जो क्लॉज 4 है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। दूसरा इशू आया, द मेन क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द केस वॉज ऑफ द वैलिडिटी ऑफ क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। यानी कि जो हमारा 39th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसका जो क्लॉज 4 है वो वैलिड है या नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड है या नहीं। और हमारा तीसरा इशू आया वेदर और नॉट द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी वॉज वॉइड, यानी कि जो हमारा इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन थे वो वॉइड थे या नहीं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये जो केस था इसका जजमेंट क्या आया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेड डाउन इन द केसो अनंत भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। यानी कि दोस्तों, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में ड्रोन आउट किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर अप्लाई किया। इट इज स्टेटेड दैट क्लोज 4 ऑफ आर्टिकल 329A इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस व्हिच इज अ पार्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो आर्टिकल 329A जो है उसका जो क्लोज 4 था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। किस ग्राउंड पर? इस ग्राउंड पर कि ये प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको वायलेट करता था, उसका हनन करता था। द एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इलेक्शन डिस्प्यूट्स इन दिस मैनर रिजल्टेड इन डैमेजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि दोस्तों, अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स में जिस तरह इस केस में जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर दिया गया था, अगर ऐसे कर दिया जाएगा तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज आउटराइट डिनाइल ऑफ द राइट टू इक्वालिटी इंश्योर्ड इन आर्टिकल 14। यानी कि दोस्तों, जो 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसका जो क्लोज 4 था उसको इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि जो हमारा राइट टू इक्वालिटी होता है यानी कि आर्टिकल 14, ये उसको आउटराइट डिनाइल करता था। इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी फ्रॉम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली वॉज कंसिडर टू बी वैलिड। लेकिन दोस्तों, जो इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन थे उनको वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया।
The Supreme Court in this case added the following feature as basic feature to the list of basic features laid down in the Kesavanand case. यानी कि दोस्तों कुछ basic features को जो basic features की list थी Kesavanand Bharti के case में जो जारी की गई थी उसमें कुछ basic features को जोड़ा गया जैसे कि पहला rule of law, दूसरा democracy that implies free and fair elections, तीसरा judicial review और चौथा jurisdiction of Supreme Court under article 32. यानी कि ये जो चार चीजें थी इन्हें basic features में add कर दिया गया यानी कि इनको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता अगर इनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो दोस्तों ये तो था हमारा इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में